नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बाली जी के और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी हार्ट की, दिल की सुरक्षा के बारे में। तो आपको अगर जानना है कि आपके हार्ट की बीमारी है या नहीं, अगर आप या फिर आपके परिवार की कोई भी मेंबर्स को ऐसी हार्ट की बीमारी होने की संभावनाएं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपको टेस्ट करना है, तो कौन कौन सी टेस्ट आप करेंगे जिससे आपको तुरंत पता लगेगा कि हार्ट की कोई बीमारी मौजूद है या नहीं। और यहां पर हम बात करने वाले सिर्फ ब्लड टेस्ट के बारे में, कुछ ब्लड टेस्ट जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि हार्ट में कोई बीमारी है या नहीं। उसके साथ साथ ECG भी करवा सकते हैं अगर पेन हो, अगर आपके हार्ट के नज़दीक यहाँ पर लेफ्ट साइड में जहाँ पर हर्ट रहता है, यहाँ से पेन स्टार्ट हो, धीरे धीरे रेडिएट होते होते आपके बाएं हाथ तक ये पेन फैले, तो जाके ECG करना। अदरवाइज ये ब्लड टेस्ट काफ़ी होता है ये जानने के लिए कि आपको दिल की कोई बीमारी है या नहीं। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दिल की बीमारी को पहचानने के लिए बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, एक साथ एक बंच में किया जाता है, और सारे के सारे ब्लड टेस्ट ही हैं। मगर इनमें से पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों का जांच बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसके साथ साथ जो होता है जिसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल सबसे महत्वपूर्ण होता है हार्ट की हेल्थ के बारे में जानकारी पाने के लिए। और उसके साथ साथ बॉडी में, ब्लड में पाया गया कुछ प्रोटीन जिसको कहा जाता है ApoLipoProtein A1 और ApoLipoProtein B, ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्ट की हेल्थ के बारे में। अभी हम देखेंगे कि टोटल लिस्ट ऑफ टेस्ट क्या है, उसका क्या मीनिंग है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन अलग अलग मार्कर्स और चीजें क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। पहली बात तो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट आपका चेक करना होगा। दूसरी टेस्ट होगा लिपिड प्रोफाइल, उसके अंदर भी कुछ टेस्ट आते हैं, ये सारे ब्लड टेस्ट हैं। तीसरी होता है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जहाँ पर लिवर की कुछ एंजाइम्स की टेस्ट होते हैं। फोर्थ है थायराइड प्रोफाइल, इसका मतलब है यहाँ पर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन कितना है, T3, T4 एंड TSH, उसका टेस्ट होता है। पांच नंबर पे सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब आपकी बॉडी के सेरम के अंदर, सेरम एक ब्लड का ही पार्ट होता है, तो सेरम के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, मतलब अलग अलग मिनरल्स जो कहते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब कितना मात्रा में पाया जाता है, इसका टेस्ट। छठा होता है ब्लड शुगर फास्टिंग एंड PP, मतलब आपकी बॉडी के ब्लड शुगर दोनों कंडीशन पर, फास्टिंग पर और खाने के बाद चेक करना है। सातवें नंबर पर है HbA1c, जिसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इसका मतलब मैं बाद में आपको समझाऊंगा इन डिटेल्स। आठ नंबर पर होता है होमोसिस्टीन। नौ नंबर पर लिपोप्रोटीन ए, पर्टिकुलरली देखिए होमोसिस्टीन, लिपोप्रोटीन ए और उसके साथ साथ ApoLipoProtein A1, ये तीन जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 8, 9 और 10 पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी हेल्थ के बारे में, हार्ट की हेल्थ के बारे में जानकारी देने के लिए। और एक टेस्ट जोड़ लीजिए ApoLipoProtein B। तो ये चार टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अलग और यूनिक होता है, जो हार्ट की हेल्थ के लिए अलग से आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो CBC, लिपिड प्रोफाइल, LFT, थायराइड प्रोफाइल होता है, वो अलग अलग डिजीज़ में भी टेस्ट करने को कहा जा सकता है, मगर पर्टिकुलरली हार्ट के लिए आपको देखना होता है होमोसिस्टीन, लिपोप्रोटीन ए, ApoLipoProtein A1, ApoLipoProtein B और लिपिड प्रोफाइल। तो ये पांच टेस्ट के बिना हार्ट की हेल्थ के जानकारी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप हार्ट की हेल्थ के बारे में बात करें तो ये पांच टेस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट, आप ये पूरा लिस्ट करवा भी सकते हो, नहीं भी सकते हो, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या टेस्ट होता है, देखिए एक सिंपल सा फंडा आप समझ लो आज, तो आप दिल के बारे में और दिल मतलब हार्ट की सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। और सिंपल सा बात यह है कि बॉडी के अंदर कोलेस्टेरॉल ब्लड में रहता है, और कोलेस्टेरॉल हमारे बॉडी के एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एक सेल के पार्ट है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल चाहिए, कोलेस्टेरॉल खराब चीज नहीं है, मगर वो जरूरत से ज्यादा होना खराब चीज है। तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोलेस्टेरॉल पाया जाता है, मगर कोलेस्टेरॉल एक फैट होता है, मोस्टली एक फैटी कॉन्टेंट होता है, और ब्लड के अंदर ज्यादातर जो पोर्शन वो पानी से बना हुआ होता है। तो पानी में फैट तो घुलता नहीं है, सबको पता है कि आप तेल डालोगे पानी में तो घुलेगा नहीं, तो पानी के अंदर अगर तेल को मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो कुछ
सहायक की जरूरत होता है, कुछ सहायता की जरूरत होता है। तो यहां पर इसी की तरह कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ऐसे ही तैरकर इधर उधर नहीं जा सकता, उसको पहुंचाने के लिए हमें वेसिकल चाहिए, कार्स चाहिए। तो यहां पर ये कार्स होता है प्रोटीन जिसको कहा जाता है लिपोप्रोटीन, तो इसको कहते हैं LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हो गया दो भाई, LDL HDL। LDL जो है, LDL को हम कहते हैं बुरा, अच्छा नहीं है LDL, क्योंकि LDL क्या कहता करता है, LDL कोलेस्ट्रॉल को ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वो हमारा जो आर्टरी होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को ले जाके डिपॉजिट कर देता है, तो कोलेस्ट्रॉल आर्टरी के साथ चिपक जाता है। अगर शरीर में ब्लड में LDL ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो LDL क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी के दीवार से पेस्ट कर देगा, उससे क्या हो जाएगा, आर्टरी के दीवार धीरे धीरे ऐसे थिन हो जाएगा, उसके उसका जो डायमीटर है वो कम होते होते बंद हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई उस पाइप में आर्टरी में कम हो जाएगा, इसके वजह से वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई ठीक टाइम पे नहीं पहुंचेगा। इससे क्या हो जाएगा, क्या होता है, अगर ये ब्लड सप्लाई ब्रेन तक पहुंचता है तो स्ट्रोक हो जाएगा, तो यही प्रॉब्लम होता है। अगर ये ब्लड सप्लाई हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट अटैक हो जाएगा, यही होता है फंडा। मगर वो HDL जो है बड़ा भाई, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो अच्छा है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को खींच के यहां से ब्लड में से लेकर लीवर तक लेके जाता है और लीवर इसको प्रोसेस करता है। तो लीवर में अगर कोलेस्ट्रॉल पहुंच गया तो लीवर ये प्रोसेस कर देगा। लीवर बहुत मास्टर जगह है जहां पर बॉडी के सारे टॉक्सिन्स धुल जाते हैं। तो ये काम है HDL का होता है। अभी LDL और HDL का काम तो आप जान ले, अभी बात क्या करते हैं, अब सिंपल है। अगर किसी के शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर LDL ज्यादा हो, HDL कम हो, तो क्या होगा, हाँ खराब, उसके मतलब चांसेस ऑफ हार्ट अटैक स्ट्रोक ज्यादा होगा। और किसी के शरीर में HDL ज्यादा है, LDL कम है, तो ठीक है। अभी इसके साथ साथ दो और चीजें आता है, एपोलिपोप्रोटीन A1 और एपोलिपोप्रोटीन B। अब इसका क्या मतलब है, एपोलिपोप्रोटीन B किसके साथ काम करता है, LDL के साथ काम करता है। एपोलिपोप्रोटीन A1 किसके साथ काम करता है, HDL के साथ काम करता है। तो एपोलिपोप्रोटीन A1 और HDL एक टीम में है, दोनों हमारे लिए अच्छे हैं। एपोलिपोप्रोटीन B और LDL बुरा है, हमारे लिए बुरे हैं। अभी क्या होगा, अगर किसी के शरीर में एपोलिपोप्रोटीन बी के मात्रा ज्यादा है, तो एपोलिपोप्रोटीन बी क्या करता है, एपोलिपोप्रोटीन A1 को खा जाता है, मतलब खाता नहीं है ऐसे, मतलब उसको सप्रेस करता है, उसका उसका एक्शन को। सिमिलरली एपोलिपोप्रोटीन A1 बी के एक्शन को सप्रेस करता है। तो जब भी ये उल्टा हो जाएगा, बुरा होगा, और सीधे रहेगा तो ठीक रहेगा। तो HDL और एपोलिपोप्रोटीन A1 अच्छी बात है, ठीक हो, तो इसका अगर रेशियो देखे तो अगर ठीक ठाक है, इसका मतलब है हमारे हार्ट तगड़ा है, हम जी सकते हैं, हार्ट की बीमारी लेके नहीं मरेंगे। मगर किसी के शरीर के अंदर अगर LDL ज्यादा मात्रा में पाए गए और एपोलिपोप्रोटीन बी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका मतलब है कि उस इंसान को फ्यूचर में हार्ट अटैक की चांस ज्यादा है, फ्यूचर में उस इंसान को हार्ट रिलेटेड बीमारी के चांसेस ज्यादा है। ये बहुत सिंपल से मैंने समझाया, डिटेल्स बहुत कुछ है। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी मैटर करता है, अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये सारे चीजें, पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल, HDL LDL, एपोलिपोप्रोटीन A1, एपोलिपोप्रोटीन B, जो लिपिड प्रोफाइल के अंदर आता है, ये टेस्ट करने पर ही आपको पता चलेगा आपकी हर्ट कैसा है। अगर हर्ट में दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द धीरे धीरे रेडिएट होके लेफ्ट आर्म तक आ रहा है, तो ECG करवाइए। ECG रिपोर्ट और लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट एक साथ करके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, तुरंत जाइए। और हर्ट की मामले में एक सेकेंड कीमती हो सकता है, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, डिले मत करिएगा। तो इस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आपको हक है आपके खुद की शरीर के बारे में जानने का, और कोई डॉक्टर्स आपको ये नहीं समझाएगा क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। यहां से समझिए, नॉलेज इकट्ठा कीजिए, खुद के बारे में जानिए, खुद के शरीर के बारे में जानिए। थैंक यू, बाय।